आज मैं कोलोस्ट्रम को गुणवत्ता के बारे में बताऊंगी। बच्चे के जन्म के बाद स्तन से पहला 2 दिन गाढ़ा पीला दूध जो निकलता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसे खिरसा दूध भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जिससे बच्चे के नरिशमेंट के लिए आवश्यक होता है। इसमें विटामिन ए रिच होता है जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। ये बच्चे का पहला टीकाकरण भी कहलाता है। ये एंटीबॉडी रिच होता है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करता है कोई भी इन्फेक्शन से। इसका मतलब कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये बच्चे में जॉन्डिस होने से बचाता है। ये मीकोनियम को क्लीन करने में मदद करता है। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो इंटेस्टाइन के मैच्योर होने में मदद करता है। ये थे कोलेस्ट्रम का इम्पोर्टेंस। झारखंड में एक कहावत है, जो बच्चा पिएगा खिरसा वो बनेगा बिरसा। तो ये थी बातें कोलेस्ट्रम के, जो कि बच्चे का पहला टीकाकरण है। थैंक यू।